सब्सक्राइब कीजिए डेजर्ट टेक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। सो हाई गाइज, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप सब देख रहे हैं डेजल टेक यूट्यूब चैनल, यानी कि आपका अपना। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ब्लॉगर का पार्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो लोग मेरी ब्लॉगर की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने मोबाइल से वो अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल से ब्लॉग को चलाना, अपने ब्लॉगर को कंट्रोल करना, कस्टमाइज करना बहुत बड़ा खेल है अपने आप में। और जो लोग ऐसा करते हैं, मैं उनके स्ट्रगल को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने इस करियर को बिल्डअप करने के लिए। तो उन्हीं में से कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया, और सबसे पहले जो कमेंट आया था वो सूफियान किंग का था, जो कि मेरे बहुत अच्छे खासे फ़ैन हैं, आप कह सकते हैं एक व्यूअर हैं, डेली व्यूअर हैं, जिन्होंने मेरे पास DM किया था कि सर, हम जो है अपना ब्लॉगर में जो थंबनेल लगाते हैं वो मोबाइल की स्क्रीन पर कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि पहले भी कई बार प्रॉब्लम आ चुकी है ब्लॉगर के साथ, जब आप कंप्यूटर पर भी अपने थंबनेल को सेट करते हो तो किसी ना किसी थीम में प्रॉब्लम जाती है कि वो आपको जो थंबनेल है वो शो नहीं करता। और इस प्रॉब्लम का इलाज मैं आपको बता भी चुका हूं पहले अपने ब्लॉगर की सीरीज में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कैसे अपने थंबनेल को सेट कर सकते हो ब्लॉगर के पोस्ट के लिए। तो ये बहुत इजी होने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में दे दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो आपका थंबनेल होना चाहिए वो 1280 से 720 का रिजोल्यूशन में होना चाहिए, PNG, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट यूज नहीं करना आपको, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो चलिए अब सीधे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे थंबनेल को सेट कर सकते हैं। तो आइए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। अब मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आने के बाद आपको सिंपली क्रोम में जाना है, और क्रोम में ही आपको काम करना है, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्रोम में क्या करना है, सिंपली ऊपर टाइप कर देना है google.com, एंड google.com आने के बाद आपको इसको डेस्कटॉप साइट पर पहले तो कन्वर्ट कर लेना है। देखिए डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन ये रहा मेरा, देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट पे मैंने इसको कन्वर्ट किया। अब डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट होने के बाद ये डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहा है इसको नो थैंक्स कर देना है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना होगा जिस ईमेल आईडी से आपका ब्लॉगर बना हुआ है या जिस ईमेल आईडी से आप अपना ब्लॉगर क्रिएट किया था। तो आपको नॉर्मली मैंने सिलेक्ट कर लिया जेडो, क्योंकि मेरे इसी से बना हुआ है। तो जेडो को करने के बाद आपको क्या करना है, जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, जो एप्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ब्लॉगर देख लेना है। ब्लॉगर को एक क्लिक करके रखना है एंड ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक कर देना है। मैंने इसको पहले ही ओपन इन न्यू टैब में कर रखा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसका जो है एक नए टैब में इसको ले लूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। अब आपको ओपन करने के बाद क्या करना है, पहले मैं आपको फोकस कर देता हूँ, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। तो देखिए हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको भी आपको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉगर अगर आप मोबाइल पे चला रहे हो तो सबसे पहली बात आप मेरी ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए आपको जब भी ब्लॉगर पे काम करना है तो आपको डेस्कटॉप साइट पर ही काम करना होगा, क्योंकि ब्लॉगर अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पर चलाओगे तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगा आपके साथ में, आप आर्टिकल्स भी सही से नहीं लिख पाओगे ना, आप अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर पाओगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्लीज़ आप अपने ब्लॉगर में ही अगर काम कर रहे हो मोबाइल की स्क्रीन पर, तो प्लीज़ डेस्कटॉप साइट पर ही काम करो। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं आ चुका। अब मान लीजिए मुझे अपनी पोस्ट में जो है थंबनेल लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, इन न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा। देखिए जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, एंड क्लिक करने के बाद देखिए ये न्यू पोस्ट को क्रिएट करेगा। अब न्यू पोस्ट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा पूरी तरीके से। अब आपको यहाँ पे जो भी टाइटल लिखना है टाइटल लिख देना है, अपनी पोस्ट लिख देनी है। मैं आपको डेमो के लिए ज़्यादा कुछ करके नहीं दिखाऊंगा एक, क्योंकि मुझे थंबनेल बताना है। तो यहाँ पे मैंने अपना पहले ही एक आर्टिकल को कॉपी करके रख रखा है, उसको डायरेक्ट मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए पहले मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने डेटा को कॉपी कर लिया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस तो अब सिंपली मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए मेरा जो पूरा आर्टिकल है वो पेस्ट हो चुका है। अब आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना टाइटल डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं टाइटल डाल लेता हूँ जिस हिसाब से पोस्ट है, 5 यूजफुल कमांड्स।
अभी मैं छोटा सा टाइटल ला रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप समझ भी जाओ। अब देखिए आपको क्या करना है थंबनेल लगाने के लिए मोबाइल की स्क्रीन पे, आपको पहले छोटा करना है, आर्टिकल के टॉप पे चला जाना है जहाँ पे भी आपका आर्टिकल हो। आर्टिकल के टॉप पे जाने के बाद वहाँ पे आपको अपना जो पॉइंट है कर्सर होता है उसको वहाँ पे लाना है, उसको क्लिक करना है उसको बिफोर में एंड एंटर प्रेस करते जाना है। देखिए आपको एंटर प्रेस करते चले जाना है बहुत बार। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे अपना कर्सर लाना है बीच में सबसे ऊपर टॉप पे। अब आपको देखिए यहाँ, तो गाइस अब आपको सबसे टॉप पर जाने के बाद आपको क्या करना है, थ्री लाइंस जो है आपको दिख रही है, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो थ्री लाइंस है इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद ये देखिए इमेजेस का जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है एंड अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने एक पेज जब ओपन हो जाएगा, मतलब एक टैब ओपन हो जाएगा, एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, देखिए चूज़ फाइल जो भी आपका थंबनेल है अलाउ कर देना है और अलाउ करने के बाद फाइल्स पे जाना है, जो भी आपका ऑप्शन आता है जिस भी हिसाब से आपका OS है, और वहाँ से आप कोई भी थंबनेल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने अपना एक थंबनेल को डाल के रख रखा है मोबाइल में, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपलोड ये होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसे अपलोड होने देते हैं। अब गाइस देखिए अपलोड हो चुका है, अब आपको क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट वाला जो बटन देख रहे हैं आप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए इसको छोटा करिए तो आपका जो थंबनेल है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। अब इसका बाकी का जो स्पेस है वो बहुत खाली है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, पहली बात देखिए आपको मेरी अब बात बहुत ध्यान से सुननी है। अगर आपकी थीम में प्रॉब्लम होती है कि आपका थंबनेल वहाँ पर पोस्ट में शो नहीं करता है, तो आपने जब थंबनेल अपलोड करना है तो उसका जो पहले से साइज़ है, यानी कि अब ये जो साइज़ आया है ऑटोमेटिक, इसको ही रहने देना है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। और पोस्ट के बीच में कुछ इमेजेस को अपलोड करना है, बहुत सारे लोग होते हैं आर्टिकल के बीच में कोई भी इमेजेस को अपलोड नहीं करते, नॉर्मली थंबनेल को अपलोड कर देते हैं, तो ये बहुत गलत बात होती है। ब्लॉगर हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती हो, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि तभी जो पिक्चर होता है, जो थंबनेल होता है, वो अपलोड नहीं होता है, शो नहीं होता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपकी वेबसाइट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी थीम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली इसको आपको बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है इमेज पे। अब इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे आप जैसे इस पे जो क्लिक करा मैंने, देखिए दोबारा से आपको दिखाया, इमेज पे क्लिक किया मैंने, ये जो आपको थ्री लाइंस का ऑप्शन दिख रहा है, एक ट्रायंगल का ऑप्शन दिख रहा है, एक स्क्वायर का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड एक्स्ट्रा लार्ज वाले जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक्स्ट्रा लार्ज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक कर दोगे तो देखिए ये पूरा जो है लार्ज हो चुका होगा। अब आप चाहें तो इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं, यानी कि क्रॉप करके पकड़ सकते हो इसको, तो नॉर्मली हो जाएगा। अब देखिए जो बाकी का खाली स्पेस है, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं क्रॉस करता चला गया, ओके तो वो पहले से ज़्यादा मैं उधर कर्जा ले आया, तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो थंबनेल है वो तो अपलोड हो चुका है, अब देखते हैं कि पोस्ट में शो करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने पब्लिश किया, अब पब्लिश करने के बाद यहाँ पे मैंने कंफर्म किया और ये पोस्ट जो है मेरी पब्लिश होना स्टार्ट हो गई है। अब ये जो मेरी पोस्ट है पब्लिश हो चुकी है, अब मैं इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वेबसाइट पे जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया व्यू ब्लॉग, अब देखिए यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है जो हमने कस्टमाइज़ की थी। अब देखिए यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि मैंने आपको कहा था वो जो इमेज है वो शो नहीं कर रही है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको उसी पोस्ट में चले जाना है। पोस्ट में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो इसका नॉर्मल साइज़ है, पहले तो इसको डिलीट करना है इस इमेज को यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इसको आपको डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के लिए क्या करना है, इसको डबल टैप करके रखना है और पेस्ट इसको रॉन्ग कर देना है। तो गाइस उसको डबल टैप करने के बाद क्रॉस करके आप उसे डिलीट कर सकते हो, और फिर अपडेट पे आपको ज़रूर एक बार क्लिक करना है, फिर वापस जाना हो फिर पोस्ट पे आ जाना है। तो आपको दोबारा से वही प्रोसेस को करना होगा, यानी कि सबसे ऊपर जाना है पहले, और फिर इमेज को अपलोड करने के लिए थ्री डॉट्स पे जाना है। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है, उस इमेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है, इमेज का जो ऑप्शन है, इमेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद वहीं से सिलेक्ट फाइल्स करना है और यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वहाँ से इमेज सेलेक्ट करनी है जो भी आपको अपलोड करना चाहते हो। तो ओपन पे मैंने क्लिक किया, ये अपलोड होना शुरू हो चुकी है। अब इसे अपलोड होने के बाद अब मेन प्रोसेस हमारा आएगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले। तो अब इसको आपको इसी नॉर्मल साइज़ में रह देना है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे अपडेट किया तो ये चेंज सेव्ड हो चुका है। अब मैं वापस जाता हूँ और दोबारा से इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ व्यू ब्लॉक पे,
तो यहाँ पे जाने के बाद अब देखिए मेरा जो थंबनेल है वो सही से अपलोड हो चुका है, शो भी कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है कुछ बंदों के साथ कि वो अपना जो थंबनेल जब अपलोड करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं। तो अगर आपके एक्स्ट्रा लार्ज करने पर भी आपकी जो इमेज है वो शो कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शो नहीं करती है तो आपको दोबारा से उस इमेज को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद फिर से अपलोड करना है और जो नॉर्मल साइज आता है, ऑटोमेटिक जो साइज गूगल देता है, उसको वैसे की वैसे ही रहने देना है और अपडेट कर देना है। तो गाइज आई होप आप सब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पर कैसे अपलोड करना है अपना थंबनेल ब्लॉगर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कितनी सारी अच्छी सी वेबसाइट क्रिएट कर रखी है। गाइज मुझे उम्मीद है कि अब आप सीख गए होंगे कि हम कैसे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कि अपने ब्लॉगर में थंबनेल को कैसे सेट कर सकते हो। बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है किसी भी थंबनेल को सेट करने के लिए जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आई हो मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसका एक अलग से सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ब्लॉगर के कोर्स के बाद और भी मैं बहुत सारे कोर्सेज चलाने वाला हूँ, सीरीज चलाने वाला हूँ लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वर्डप्रेस, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड एंड पॉपुलर कोर्सेज में एक कोर्स है। तो चलिए गाइज मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।